हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूँ राकेश और आज हमारे साथ फुल्लू की स्टारकास्ट है। तो हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं फिल्म के बारे में, और फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रेलर को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है ऑडियंस से। तो सर, सबसे पहले तो जो ट्रेलर देखने के बाद क्या रिएक्शन था आपके किरदार को लेकर? ट्रेलर देखने के बाद आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज और बहुत खुशी हुई जिस तरीके का रिस्पॉन्स हमें मिला, और YouTube पे जो कमेंट्स थे वो इतने इनक्रेजिंग और इतने पॉजिटिव थे, और फिल्म फ्रेटर्निटी ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया ट्रेलर को। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ उस चीज़ को लेके, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म को भी वो उतना ही प्यार देंगे। जैसे मैंने कहा कि ट्रेलर को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, तो जिसने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है उनको अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह का किरदार होने वाला है आपका। मेरा एक्चुअली फिल्म में मैं बिघनी का नाम का किरदार प्ले कर रही हूँ, और वो फुल्लू की बीवी बनती है आगे जाके। तो एक्चुअली ही गेट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम बिघनी, क्योंकि एक्चुअली शादी से पहले वो कैसे माँ से और बहन से, क्योंकि वो इस बारे में, सब्जेक्ट के बारे में उससे बात नहीं करते हैं, तो बीवी के आने के बाद ये उसे थोड़ी सी सहायता हो जाती है इस बारे में कि वो उसे खुल के अंदरूनी चीज़ें पता चलें, क्या प्रॉब्लम्स, क्या तकलीफ़ें हो रही हैं पीरियड्स की वजह से, वो पता चले। तो वो आई थिंक वहाँ पे सहयोग देता है ये कैरेक्टर इस फिल्म में। इसके अलावा छोटे शहरों में अभी भी इस बातों पर बात नहीं की जाती है, लेकिन बड़े शहरों में भी अभी मतलब ये बात आनी बाकी है। तो उसके लिए क्या, मतलब आपको जब पहली बार ऑफर की गई स्क्रिप्ट तो क्या रिएक्शन था? आप एक्सेप्ट कर पा रहे थे इस बात को या नहीं? मैंने जब मेरा रिएक्शन स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद, तो आई वाज ब्लोन अवे। मैं बहुत मुझे मज़ा आ गया था स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, और मुझे एक और फीमेल पर्सपेक्टिव भी चाहिए था स्क्रिप्ट को लेकर, तो मैंने अपनी वाइफ को स्क्रिप्ट दी पढ़ने के लिए। जब उन्होंने पढ़ी उनको भी बहुत मज़ा आया, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये करनी है। और जहाँ तक शहर में और गांव में जो इस चीज़ को लेके इसको टैबू बनाया गया है, वो सिर्फ गांव में ही नहीं, इनफैक्ट शहर में भी ऐसा ही होता है, बड़ा हो या छोटा शहर हो। बॉम्बे जैसे शहर में भी अगर आप केमिस्ट शॉप पे जाते हैं और केमिस्ट के पास जाते हैं और अगर सैनिटरी पैड मांगते हैं, तो वो वही न्यूज़पेपर में पहले लपेटेगा, फिर काली पॉलीथिन में डाल कर देगा, उसके अलावा वो कभी सैनिटरी पैड आपको देते नहीं किसी और तरीके से। तो वो जो इसको इतना ढांका जाता है, जो छुपाया जाता है, इतनी बेसिक चीज़ को, इतनी रोज़मर्रा की चीज़ को, और इतनी नीड ऑफ दी आ रहा है ये, इस चीज़ को बाहर निकालना, उसके जो पॉलीथिन बैग है उसको निकाल के फेंकना चाहिए, फाड़ के फेंकना चाहिए, कागज़ जो रखे हुए हैं उनको निकालना चाहिए। और हमने फुल्लू फिल्म के ज़रिए वही जो उसके ऊपर जो पर्दे चढ़े हुए हैं उनको हटाने की कोशिश की है। मैम, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पहली बार स्क्रिप्ट ऑफर की गई? क्या आप एक्सेप्ट कर पा रहे थे इस तरह की बात भी कही जा सकती है थ्रू फिल्म? एक्सेप्ट तो मैं डेफिनेटली कर पा रही थी, लेकिन जैसे स्क्रिप्ट मैंने सुनी थी तो मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि एक तो मैं लड़की हूँ तो कनेक्ट कर सकती हूँ, दूसरा ये कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मैं उस तरीके से बड़ी हुई हूँ जहाँ पे खुद कपड़ा यूज़ करके, जब मुझे पहली बार पीरियड्स आए थे तो मुझे कपड़ा दिया गया था। और दूसरी जो मुद्दा हमने उठाया वो ये है कि हम कैसे इस बारे में बात नहीं करते और हॉ करते हैं कि अरे पीरियड्स की बात कर दी हॉ, तो वो भी मेरा घर में रहा है कि मर्द जो रहे हैं घर के आदमी, भाई या चाचा मामा, उनके आगे इस बारे में बात ना करनी। तो जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी आई कुड कम्प्लीटली कनेक्ट, क्योंकि मैं हमेशा से इसके खिलाफ रही थी कि क्यों हम बात नहीं कर सकते इसके बारे में, या फिर ये बीमारी थोड़ा ना है जो है ना, या फिर कोई गलत चीज़ थोड़ा ना। अक्सर हम दब के किस बारे में बात करते हैं जो हमें लगता है गलत है, तो ना ये गलत है ना ये बीमारी है, कोई एक नेचुरल प्रोसेस है, इसकी वजह से तो एक औरत माँ बनती है और जनरेशन आगे बढ़ती हैं, तो हम क्यों छुपाएं इसके बारे में। जैसे मैम ने बहुत अच्छी बात कही, तो आपको लगता है कि फिल्म देखने के बाद एक नया रेवोल्यूशन या फिर छोटा सा तो चेंज आएगा फिल्म देखने के बाद? हमारी जो कोशिश है इस फिल्म के ज़रिए वो यही है कि एक, अगर जितनी हमने कोशिश की है इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने की, अगर एक बंदा भी अगर घर पहुंच के उसके अंदर कुछ बदलाव आता है तो वी विल बी मोर देन हैप्पी। और रेवोल्यूशन और वो सब तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मेरी उम्मीद है कि मतलब जो भी बंदा देखने आए वो अगर सेटिस्फाइड होकर निकले और वो फिल्म को लेकर घर तक पहुँचे तो हम सक्सेसफुल होंगे। राइट, इसके अलावा बहुत बड़ी बात हुई थी फिल्म के साथ जब फिल्म को पैडमैन के साथ कंपेयर किया जा रहा था। अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है, बहुत बड़ी फिल्म है, तो उस समय क्या रिएक्शन था और क्या पैडमैन से मतलब मिलती जुलती है फिल्म या फिर उससे अलग है? थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आप हमारी ऑडियंस को करें। पैडमैन दो मतलब एक मेन डिसिमिलैरिटी ये है हमारी पैडमैन से कि पैडमैन जो है वो एक रियल लाइफ जो कैरेक्टर हैं, जो अरुणाचलम मुरुगनाथम जी हैं, उनकी लाइफ पर बेस्ड है, इट्स अ बायोपिक। और हमारी फिल्म जो है वो एक फिक्शनल कहानी है,
फुल्लू जो है वो असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक मनगढ़ंत कैरेक्टर है जिसको शाहीन इकबाल साहब और अभिषेक सक्सेना जिन्होंने मिलके उसको डेवलप किया है। और हमारा मुद्दा सेम है, हमारा थीम सेम है, हमारा सब्जेक्ट सेम है, बट एक सब्जेक्ट पे दो अलग किस्म की कहानियाँ बन रही हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। और हमने जो कहानी बनाई है वो बहुत हमने अपनी तरफ से उसमें दिलो जान से मेहनत की है और बहुत दिल से बनाई है, हमारे इंटेंशन बहुत सच्चे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म को लोग पसंद करें। हमारी तो उतनी ज़्यादा रीच भी नहीं है हमारी जो जितनी अक्षय सर की पैडमैन को होगी, और मैं चाहता हूँ दिल से कि वो फिल्म भी बहुत बड़ा, हमारे चाहने से भी कुछ नहीं होगा, वो फिल्म तो बिज़नेस करेगी ही ज़बरदस्त, क्योंकि अक्षय सर की फिल्में हमेशा कमाल करती हैं और आर बाल्की सर बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं। और इसी बहाने मैं चाहता हूँ कि और चार फिल्में इसी मुद्दे पर बने ताकि ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और अगर वो पैडमैन से ज़्यादा पहुँचती है तो बहुत अच्छी बात है, आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि मुद्दा फिल्म अच्छी बुरी का नहीं है, मुद्दा इस कॉज का है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि दो फिल्में बन रही हैं, कम से कम दो तो बन रही हैं, ज़्यादा बननी चाहिए थी। ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपकी बात करें तो बहुत टाइम के बाद आप फिल्में आ रहे हैं, जैसे लाश बदमाशिया की थी, उससे पहले फिल्मिस्तान की थी, तो मतलब प्रोजेक्ट को लेकर आप चूज़ी है या फिर किस तरह से प्रोजेक्ट को चूज़ करते हैं आप, अगर स्क्रिप्ट की बात आती है या फिर फिल्म करने की बात आती है? सबसे पहले मैं चूज़ी नहीं हूँ, मैं चूज़ा हूँ। देखिए, मैंने जो बीच में गैप आया है, जो लल पीरियड जो भी आप उसको कहें, वो मैंने जानबूझ के वो नहीं किया, मैंने फिल्में की हैं इन दिनों में, 2015-16-17 में तीनों साल में मैंने काफ़ी चीज़ें शूट की हैं, वो रिलीज़ होनी अभी बाकी हैं, बस वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे हैं इस वक्त। और छोटी फिल्मों को रिलीज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिल्मिस्तान को भी 1.5-2 साल लग गए थे रिलीज़ होने में। तो एक फिल्म मेरी अभी माई क्लाइंट्स वाइफ, उसका ट्रेलर आप फुल्लू के साथ में ही देखेंगे जो अभी आने वाली है, और एक फिल्म मैंने लिखी है इस दौरान, एक फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है, तो मैंने काम तो बहुत किया है, बस अब मैं चाहता हूँ और मैं बहुत डेस्परेट हूँ कि वो जल्दी से आप तक और जनता तक सब तक पहुँचे, और वो भी लोगों उतना ही सराहें जितनी लोगों ने फिल्मिस्तान को सराहा है जी। और एक बात आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि छोटी फिल्मों को इतनी बड़ी रिलीज़ नहीं मिल पाती है, तो क्या रीज़न है इस बात के पीछे कि जब छोटी फिल्में वो कंटेंट ओरिएंटेड होती है उसके बाद भी फिल्म को अवार्ड्स मिल जाते हैं लेकिन कमर्शियली इतना अच्छा नहीं कर पाती है, तो उसके पीछे आप क्या रीज़न मानते हैं? उसके पीछे सिंपल रीज़न है इकोनॉमिक्स, कमर्शियल्स जो हैं, जो जितना पैसा लगाएगा उसकी रिलीज़ उतनी ज़्यादा होगी, छोटी फिल्म को बनाने में ही जितने पैसे लगते हैं उसके अंदर, मतलब उसके बाद आज की डेट में जो ऐसा हो गया कि बनाने में जितना पैसा लगता है उससे दुगना से भी ज़्यादा रिलीज़ करने में लगाना पड़ता है, जो कि एक छोटा प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर पाता है, फिर उसे ज़रूरत पड़ती है एक स्टूडियो की या किसी सपोर्ट की या किसी बैकिंग की, और बिना नाम के कोई अपना पैसा जो है वो छोटे फिल्म में या अननोन फेसेस में डालने के लिए हिचकिचाता है। तो सब अपनी जगह पर सही हैं, बस हमें ऐसे फिल्म मेकर्स की ज़रूरत है जो फिल्म को पहचाने या फिल्म के मेरिट को पहचाने और उसे उसका जो जिस रीच की उसे ज़रूरत है वो वहाँ तक उसे पहुँचाएँ, और प्रपोजल्स नहीं, फिल्म की मेरिट को वो पहचाने जी। जाते जाते मैम, अगर आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट फुल्लू के अलावा अगर शेयर करना चाहें? मेरी एक फिल्म अभी मैंने उसकी शूटिंग फिनिश की है, पोस्ट प्रोडक्शन में, उसका नाम है डीएनए में गांधी जी, जो डायरेक्ट की है मिस्टर संदीप नाथ ने, जो लिरिसिस्ट हैं बॉलीवुड में, ही इज टर्निंग डायरेक्टर विद दिस फिल्म, और उसमें मिस्टर रायो बखीरता हैं प्यार का पंचनामा से, वो भी एक बड़े अच्छे सब्जेक्ट को लेके आ रही है एक्चुअली, कि कैसे एक ईमानदार आदमी की बेटी को बेईमान आदमी, भ्रष्ट आदमी के बेटे से जब प्यार होता है तो फिर क्या होता है, तो वो है। तो जाते जाते ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फुल्लू के बारे में? फुल्लू वही है कि हमें बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, और हमें ज़रूरत है कि ऑडियंस अब थोड़ा सा अपना माइंड ब्रॉड करके ऐसे सब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करे और देखे, और जो भी नए इंडस्ट्री में टैलेंट्स आ रहे हैं, नए प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं, हमें मौका दिया जाए कि आप लोग जाएं और देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। 16 जून को फिल्म आ रही है, और अगर अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो जाएं यूट्यूब पे, फुल्लू का ऑफिशियल ट्रेलर देखें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 16 जून को फुल्लू। तो 16 जून को ये फिल्म रिलीज हो रही है, और देखते रहे फिल्मी मंत्रा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें फिल्मी मंत्रा। थैंक यू थैंक यू सो मच।